देखिए वो जा रहा है जहाँ पर उसका एक और इसी तरह से एक और था, तो वो वहीं चला गया होगा। जब जल मुर्गी आएगा तब आपको दिखाएंगे कि कैसा यह बड़ा होने पर यह कैसा दिखता है, यह पंछी कैसा दिखाई देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप देख पाएंगे कि आखिर यह बड़ा होने पर कैसा दिखाई देता है, यह चिड़िया कैसी दिखाई देती है। यह आम्रपाली आम है और इसके एक डंठल को तोड़ करके देखिए यहाँ पे इस दूसरे पेड़ में लगा दिया गया है। ये तो ऐसे ही सामान्य दशहरी पेड़ है जो कि बहुत बड़ा हो चुका है। पेड़ कम से कम 25 फीट का यह पेड़ है। देखिए इसमें कलम करके लगाए थे और इसमें छोटा सा यहाँ पे आप देख अगर पा रहे होंगे तब कली निकल रहा है, बड़ निकल रहा है यहाँ पे। देखिए आप देख पा रहे होंगे अगर यह उसी आम्रपाली जो छोटा वाला पेड़ है उसी आम के पौधे का एक डंठल था जिसे इस पेड़ में कलम किया गया था और इसमें से छोटा सा बड़ निकल रहा है। इसमें से एक आम का बौर भी निकला था जिसमें एक आम बड़ा भी हो गया था। उसका वीडियो इस चैनल पर है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो कलम सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसी बात नहीं, आप भी कलम करिए अगर आप अपने मन चाहे आम को किसी दूसरे पौधे में लगाना चाहते हैं तब। जब ये बड़ा होगा तब आपको, जब इसमें से पत्तियां इत्यादि निकलेंगी तब आपको दिखाया जाएगा। यह एक फूल है जो कि सिर्फ रात में खिलता है। अगर आपको इसका नाम पता हो तो बता सकते हैं। एक ही पौधे में 3 या 4 कलर के फूल खिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक ही डंठल है और इसमें 2 कलर के फूल खिले हुए हैं और सुबह होते ही यह फूल बंद हो जाते हैं और शाम को ये फिर से खिल उठते हैं इसी तरह से। और इसमें से बहुत अच्छी सुगंध भी आती है।